लेकिन हमारे यहाँ एडेनियम में फ्लावरिंग भी हो रही है और नए नए वर्ड्स भी आ रहे हैं। सारे एडेनियम जो हैं वो अच्छी ग्रोथ पर भी हैं। ये देखिए बेहतरीन ग्रोथ हो रही है, किसी एडेनियम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वर्ड्स आ रहे हैं, कलियां खिल रही हैं और ग्रोथ भी हो रही है एडेनियम में। गाइज एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल्स हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो अक्टूबर का आखिरी हफ्ता आने वाला है, रात का मौसम ठंडा होने लगा है और आने वाले 10 दिन के बाद ठंड पड़ने लगेगी और एडेनियम डोरमेंसी में जाने लगेंगे। लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली में अभी तक दिन में हल्की गर्मी है और दिन की धूप में भी काफी तेजी है। दिन का टेम्परेचर अभी भी 32-33 रहता है। लेकिन हमारे यहाँ एडेनियम में फ्लावरिंग भी हो रही है और नए नए वर्ड्स भी आ रहे हैं। काफी एडेनियम सब खिलने जा रहे हैं, किसी में वर्ड्स आ रहे हैं। सारे एडेनियम जो हैं वो अच्छी ग्रोथ पर भी हैं। ये देखिए बेहतरीन ग्रोथ हो रही है, किसी एडेनियम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वर्ड्स आ रहे हैं, कलियां खिल रही हैं और ग्रोथ भी हो रही है एडेनियम में। ये देखिए कलियां भरी पड़ी हैं, सारे एडेनियम में कलियां खिल रही हैं और ये सारे में कलियां आ रही हैं और ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। देखिए ग्रोथ ले रहे हैं, अंदर से नए नए लीव्स निकल रहे हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं एडेनियम। ये मैंने प्रून करे हुए जो हमारे एडेनियम है वो भी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, सब में जो नए नए ब्रांचे निकल रही हैं। तो जब एडेनियम ग्रोथ भी कर रहे हैं और वर्ड्स भी आ रहे हैं और फूल भी खिल रहे हैं और लीव्स भी सारे मौजूद हैं, सारे लीव्स एडेनियम में मौजूद हैं, तो इसको अब पानी की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर इनको अब हम और पानी नहीं देंगे तो ये वर्ड्स जो हैं वो गिर जाएंगे, ये ग्रोथ भी रुक जाएगी और ज़बरदस्ती ही ये उसमें डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो उससे तो जब हमारे अभी एडेनियम ग्रोथ कर रहे हैं और फ्लावरिंग कर रहे हैं तो मुझे पानी की ज़रूरत को ज़रूर पूरा करना है। क्योंकि पानी अगर हम इनको कम देंगे तो ये वर्ड्स इस तरीके से गिर जाएंगे। देखिए ये इस तरीके से गिर जाएंगे। और इनका दूसरा तरीका ये होता है कि बरसात में जो इसकी सॉइल धुल जाती है और धुलने से इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं, उसकी वजह से ये कलियां गिरने लगती हैं। तो इसमें हम इसकी कलियां ना गिरें उसके लिए हम आज एक फर्टिलाइज़र भी इसमें देंगे, पानी भी इसमें देना है। क्योंकि पानी के लिए आप हमेशा चेक कर लें कि ये देखिए लीव्स झुकने लगे हैं, ये कम पानी की वजह से ऐसा हो रहा है। सारे लीव्स मौजूद हैं एडेनियम में और झुकने लगे हैं। तो आप क्या करें कि इसकी सॉइल को इस तरीके से हटा के देख लें। देखिए सारी सूखी निकल रही है, 2 इंच तक खोद के देख लें, सारी सूखी हुई है। 2 इंच तक खोद के देख लें आप, सारी सॉइल सूख रही है। तो क्योंकि इसी वजह से इसके जो ब्रांचे हैं वो इस तरीके से नीचे को झुकने लगी हैं कम पानी की वजह से। अब इसको हमें पानी भी देना है और साथ में जब हमारा एडेनियम ग्रोथ पे है तो हमें इसमें फर्टिलाइज़र भी देना है। क्योंकि फूलों के लिए जब तक फूल आ रहे हैं, कलियाँ आ रही हैं और ग्रोथ एडेनियम दे रहा है तो मुझे फर्टिलाइज़र भी देना होगा इसको। क्योंकि अभी हमारे यहाँ टेम्परेचर इसके मतलब का अच्छा खासा 33-34 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, तो उसमें हमारे एडेनियम सारे के सारे अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। कोई लीव्स भी इस तरीके से देखिए कि येलो नहीं हो रहा है और सब एडेनियम ग्रोथ पे है, सारे लीव्स मौजूद हैं, कोई डोरमेंसी का अभी कहीं ख्याल नहीं है। तो हो सकता है कि अगले महीने में कुछ ज़्यादा ठंड पड़े तो अगले महीने की 15 तारीख तक जो है वो एडेनियम की शुरुआत एक एक दो लीव पीले पड़ के गिरने लगेंगे। और जब जैसे दिसंबर शुरू होगा तब तक जो है हमारा एडेनियम जो है वो डोरमेंसी में चला जाएगा। तो दोस्तों अब हम इसको फर्टिलाइज़र देते हैं
और फर्टिलाइजर में कलियां ना गिरें उसके लिए भी थोड़ा डालेंगे और थोड़ा न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए डालेंगे। और तीसरे हम देंगे इसमें इसकी सॉइल के अंदर हीट पहुंचाने के लिए, ताकि हमारे सॉइल की जो हीट है वो रात को भी गर्म रहे, तो उसके लिए हम डालेंगे इसमें सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक सर्दियों में इस टाइम पे एडेनियम में ज़रूर देना चाहिए, उससे एडेनियम की ग्रोथ अच्छी रहती है और जल्दी से डोरमेंसी में नहीं जाता। तो यह है दोस्तों चूना जो हम प्लांट में कैल्शियम बढ़ाने के लिए डालेंगे। इसको कैल्शियम अगर प्लांट का बढ़ जाएगा तो जो कलियां गिर रही हैं एडेनियम की वो गिरनी बंद हो जाएंगी। डालने के बाद में हम दूसरी खाद डालेंगे, ये ह्यूमिक एसिड जो है वो भी बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है, और इसके अंदर ये समुद्री घास फूस से बनता है और इसके अंदर 17 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये एडेनियम की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और एडेनियम की जो नीचे की रूट जो है वो बहुत तेज़ी से जो ग्रोथ करता है और ऊपर जो ब्रांचें निकालता है नई नई, इसके अंदर एडेनियम के अंदर नई नई ब्रांचें भी निकालने का इसका काम है। इसका काम है एडेनियम को बुशी बनाना, घना बनाना। ये एडेनियम के लिए बहुत ही लाभदायक फर्टिलाइज़र है। यह है महाबली। ये महाबली दरअसल इंडियन खाद नहीं है, ये खाद जो है वो ताइवान की एक कंपनी है जिसने यहाँ यूपी में संडीले के अंदर इसकी फैक्ट्री लगाई है, और ये बहुत ही लाभदायक खाद है ये। और ये जो फर्टिलाइज़र है ये ऑर्गेनिक है, यानी ऑर्गेनिक खाद है ये, और इसके अंदर किसी किस्म का रासायनिक खाद इसमें मिली नहीं मिली हुई है, और इतनी तेज़ खाद है कि बहुत ही अच्छी ये पौधे को में जोर लगाती है और हर प्लांट में इसको डाल सकते हैं। वैसे एडेनियम में ये बहुत फ़ायदा कर रही है, मैं इसको एक साल से करीब इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत ही लाभदायक खाद है। और ये ताइवान की एक कंपनी है, उसने ये हमारे यहाँ इंडिया में ज़िला हरदोई में एक संडीला इलाका है वहाँ इसकी फैक्ट्री लगाई है। तो ये तीन खादें हम इसमें मिलाएंगे। तो सबसे पहले इस चूने के अंदर हम पानी डाल देते हैं और इसको थोड़ी देर हम घोलने के लिए छोड़ देते हैं, ये अच्छी तरीके से घुल जाए। जब तक ये फर्टिलाइज़र यानी ह्यूमिक एसिड हम अपने, ये दोस्तों ये जो हमारा है ये खली हमने 3-4 दिन पहले भिगोई थी और इसमें हमने फंगिसाइड भी जब ही डाल दिया था, तो ये खली हमारी 3-4 दिन से भीग रही है, बहुत अच्छी तैयार हो गई है। जब फर्टिलाइज़र खली इस टाइम पे एडेनियम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी कि ये एडेनियम की सॉइल को गर्म रखेगी और जो ठंड से जो एडेनियम को नुकसान पहुंचेगा वो खली नहीं पहुंचने देगी। तो इसके अंदर अब हम ये डालते हैं दोस्तों, ये ह्यूमिक एसिड, ये इसको ये करीब 2-3 टीस्पून है ये मैं इसमें डाल दूँगा, क्योंकि पानी ज़्यादा है, लगभग बाल्टी में थोड़ी बाल्टी खाली है 20 लीटर की, और सारे एडेनियम में देना है। उसके बाद में दोस्तों मैं डालूँगा ये महाबली, ये भी इसको भी दे देते हैं, ये 3-4 टीस्पून है। ये हमारा चूना भी अच्छी तरीके से घुल गया है, तो इसको भी हम इसमें डाल देते हैं और 10-15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे अच्छी तरीके से चला के। ये हमारा बहुत ही पावरफुल लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया है एडेनियम में, क्योंकि एडेनियम की अभी ग्रोथ चल रही है, और जब तक ग्रोथ चल रही है, लीव्स मौजूद हैं, फ्लावरिंग कर रहा है, तब तक उसमें हम खाद दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एडेनियम ग्रोथ पे है। ये देखिए अब इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद में अपने एडेनियम में हम तो उसको अच्छी तरीके से चला लें और चलाने के बाद में अपने प्लांट में डाल दें। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हुआ है ये देखिए, और इस तरीके से एडेनियम को अच्छी तरीके से भर दें, सारे एडेनियम में दे दें। जिस जगह पर अगर टेम्परेचर अभी एडेनियम के लिए ज़्यादा है, यानी 33-34 डिग्री अगर टेम्परेचर है, तो वो अभी फर्टिलाइज़र दे सकता है, क्योंकि उसमें वहाँ पर अभी फ्लावरिंग भी हो रही है, तो इस वजह से फर्टिलाइज़र का देना बहुत ही लाभदायक है, बहुत ज़रूरी है। और खली का
प्रयोग ज्यादातर करें, क्योंकि खली जो है अभी हम एक महीना खली एडेनियम के अंदर दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोस्तों अपना सारा फर्टिलाइजर अभी एडेनियम में सब में दे देंगे। तो वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।